नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ जी। दोस्तों, हम नहीं देंगे डेटा, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। इतनी बड़ी बात अगर जे कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से करता है और कहता है, तो जे कि सोचने पर लोगों को मजबूर करता है कि सबकी अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन इतनी बड़ी जी की हैसियत, इतनी बड़ी ताकत उसके पास कहाँ से आया जो सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहता है, मना करता है कि हम चुनावी डेटा जो है कि आपको नहीं देंगे, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। जरा आप बताइए और आप सोच करके इस पर जो कि अपना राय जरूर दीजिए कि किसके पास से और कहाँ से इतनी बड़ी ताकत जो कि उसको मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट की बात को नकार देता है और इनकार कर देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई कमजोरी है जिसके वजह से ऐसा हुआ, या सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, या कोई ये कि नरेंद्र मोदी जी डिवाइस चंद्रचूड़ साहब का कोई कमजोर नस पकड़ लिए हैं और वह जे की बातें चुनाव आयोग को बता दिए हैं जिसके वजह से तमाम झेक नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगते रहे लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहा और सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिका जाने पर भी ईवीएम को किसी प्रकार से कोई ठोस सुनवाई ये की नहीं हुआ। अब चुनाव अंतिम चरण में है, आज ये की छठे चरण का चुनाव हो रहा है, 1 तारीख को 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा और कहानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई ठोस जे की बातें निकल कर के सामने नहीं आई, और जो निकल कर के सामने आई भी 70C फार्म जब बार बार जब गया कि धांधली हो रहा है, चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग जे की ये नहीं बता रहे कि कितना वोट किस जे की चरण में जे की पड़ा, वो परसेंटेज में दे रहा है, अपना जे की नीति दूसरे के ऊपर थोप रहा है कि आप राज्य दर राज्य से मांगिए, ऐसी ऐसी बातें जे की कर रहा है। तो फिर जे की सुप्रीम कोर्ट जो भारत की न्यायपालिका है उसमें जाना यह लाजमी हो गया, और वहां जैसे ही पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को यह सुझाव दे दिया कि आप जिस बूथ पर हैं वहां एक लास्ट टाइम में जे की एक फार्म जे की निकलता है मिलता है जो 70-17C उस फार्म का नाम है, उसको आप देखिए, उसमें जो स्पष्ट रूप से जो कि छाप दिया गया है कि कितना वोट महिला ने दिया, कितना पुरुष ने दिया और टोटल कितना हुआ, उसमें आप VVPAT से जो कि मिलान कर लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी आती है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई गड़बड़ी आती है तो आप जी की अपने पार्टी के नेतृत्व को जी की यह बात जी की बताया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नेक्स्ट टाइम जी की फिर से एक याचिका जी की गया, उस पर सुनवाई होना था कि डेटा जो डिटेल है वह चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग जी की परसेंटेज में वोट निकाल के हमको दे रहा है, एक्चुअल वोट नहीं बता रहे कि इसमें चरण में इतना जी की वोट जी की पड़ा और इतना महिला इतना पुरुष ने दिया है। लोगों को अंदर सब डाउट्स हो रही है लेकिन स्पष्ट नहीं जे की कर रहा है चुनाव आयोग, तो फिर जे की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जे की मामला जाता है। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम जे की लास्ट फेज की चुनाव है और चुनाव आयोग के ऊपर हम किसी भी प्रकार से जे की आरोप नहीं लगा सकते हैं, हम इस पर ये कि फैसला नहीं दे सकते हैं, चुनाव के बाद इसको देंगे, यह सुरक्षित हमारे पास रहेगा। चुनाव के बाद देने की जी की बात कही, अब यह जी की कमजोरी है या फिर किसी और ताकत ने जी की चुनाव आयोग को बल दिया जो आज जब उससे डेटा मांगने की बात आई तो साफ साफ चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते हैं, जो मर्जी है सो कर लीजिए। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी ताकत जी की कहां से मिल गई उसको,
जो डिवाइस चंद्रचूड़ साहब को हमेशा जो है कि गलत साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और तमाम ऐसे लोग जो कि बार बार जो कि प्रयास किए, जैसे केजरीवाल को जो कि बेल देना, सभी लोगों ने एक तरफा जो कि बोला कि या जो कि लगातार जो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि गलत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर जो कि जब फैसला जो कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब दिए, नरेंद्र मोदी को ऐसी मिर्ची लगी जो बार बार जो कि सुप्रीम कोर्ट को कोसने लगे। मैं जो कि यह कहता हूं कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब जो भी फैसला ले रहे हैं वह जो कि अच्छा फैसला ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो कि थोड़ी सी और उस पर जो कि वो करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है और जो इस टाइम राजनीतिक दल है किसी न किसी ऐसे तरीका से जो कि सुप्रीम कोर्ट को घेरने का, कोलिजियम सिस्टम समाप्त करने का, संविधान पर जो कि हाथ डालने का, और जो कि चुनाव आयोग जो कि कैसे जो कि मिला जुला हुआ है इस बात को समझने का बिल्कुल अवसर जो कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल जो कि अपने मनमाने जो कि कर रहा है। इस पर जो कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब थोड़ा सा जो कि अपना जो कि कड़ा करते हैं तो बहुत जो कि बेहतरीन जो कि होता है। आप इससे कितना सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों, बहुत कुछ ऐसी जो कि बातें नहीं है जो आज जो चुनाव हो रहा है, सर्वे निकल के सामने आएगी। अभी तक जो सर्वे निकल के आई है राहुल गांधी, इसमें जो कि हर जगह से जो कि 20 दिखाई दे रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद किसी गठबंधन में नहीं है, फिर भी जो कि वह कुशीनगर दौरे पर जो कि आए हुए थे। ऐसी ऐसी राजनीति हो रही है, संविधान एक तरफ संविधान लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं, संविधान दिखा रहे हैं, संविधान बचाने की बात है, लेकिन वही जो कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर जो कि खतरे में है, राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। एक तरफ जो कि राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि वह आपका जो कि भैंस चुरा लेंगे, भैंस जो कि ले लेंगे, गहना गुड़िया ले लेंगे, सब कुछ छीन के मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन एक तरफ जो कि संविधान बचाने की जो कि देश बचाने की बात कही जा रही है और ऐसी राजनीति हो रही है, तो आप किनके साथ हैं? आप जो कि अपना बहुमूल्य वोट जरूर दीजिएगा, लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, अब जो कि कुछ भी कर लिया जाए, लास्ट चरण जो कि जो चुनाव है 1 तारीख तक जो कि वोट पड़ेगा, 1 तारीख के बाद 4 तारीख को गिनती होगी, परिणाम सामने आएगा, लेकिन जो 120 से 250 के बीच जो कि जो सिटी के आंकड़ा है हमारे चैनल की, वह हमेशा बरकरार रहेगी। आने वाला जो कि टाइम जो कि मैं जरूर इसका जो कि चर्चा करूंगा, जरूर इस पर जो कि प्रकाश करूंगा, जरूर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।